आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हे गाइस, तो आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें एक एक करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम ए वाला पार्ट देखेंगे। तो ए वाला पार्ट कहता है कि एक इक्वेशन है x³ - 6x² + 9x + λ = 0, और इसका एक रूट 1 से 3 के बीच में है, और हमको मॉड ऑफ gif ऑफ लैम्डा प्लस 1 की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। तो सबसे पहले हम क्यूबिक इक्वेशन पे ध्यान देते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट 1 से 3 के बीच में है, तो इस इक्वेशन के तीन पॉसिबल ग्राफ्स बन सकते हैं, और वो तीनों में से एक होगा कुछ ऐसा, एक होगा ऐसा और एक होगा ऐसा। अब इन तीनों ग्राफ्स में एक कॉमन चीज हम देख सकते हैं कि जो f ऑफ 1 है और f ऑफ 3 है, ये तीनों ग्राफ में ऑपोजिट साइन के है, मतलब या तो एक ग्रेटर देन 0 है और एक लेस देन 0 है, या फिर दूसरा ग्रेटर देन 0 और बचा हुआ लेस देन 0। तो इससे हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट लूं तो एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या आता है, नेगेटिव। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लूं तो लेस देन 0 आएगा। और अब मैं, क्योंकि मुझे एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन तो पता ही है, x³ - 6x² + 9x + λ, तो मैं अगर इसमें 1 और 3 पुट कर दूं तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसमें सबसे पहले 1 पुट करते हैं। 1 पुट करने पे जो इक्वेशन बनती है वो ये बनेगी, 1 - 6 + 9 + λ। एक बार 3 पुट करके देख लेते हैं। 27 - 54 + 27 + λ, और ये पूरा लेस देन 0। अगर इसे हम सॉल्व करें तो जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो है λ (λ+4) < 0। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं इसके रूट्स। तो क्योंकि ये पहले से ही फैक्टराइज्ड है, हमें इसके रूट्स इजीली मिल जाएंगे। λ+4 का रूट होता है -4 और लैम्डा का रूट होता है 0। और क्योंकि सारे कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है तो एकदम राइट मोस्ट रीजन जो होगा वो पॉजिटिव देगा, मिडिल रीजन नेगेटिव और लेफ्ट मोस्ट रीजन पॉजिटिव। और हमको चाहिए लेस देन 0, तो लेस देन 0 पे मतलब नेगेटिव, मतलब लैम्डा की जो वैल्यूज होगी वो होगी 0 से लेकर -4 से लेके 0। और ये ओपन इंटरवल्स है, मतलब इक्वल टू कहीं नहीं आएगा। अब हमें लैम्डा की वैल्यू पता है, तो हम 1 ऐड करके λ+1 की पॉसिबल वैल्यूज बता सकते हैं, वो हो जाएगी -3 से लेके 1। एंड फिर अगर हम इसका gif ले लें, gif λ+1, तो इसको हम एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। -3 से 1 में अगर हम देखें तो -3 से लेके -2 तक gif क्या आता है, -3। फिर -2 से लेके -1 तक gif आता है -2। फिर -1 से 0 तक gif होता है -1। 0 से 1 होता है gif 0। एंड फिर अगर हम इसका मॉड ले लें तो मॉड ऑफ gif ऑफ λ+1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, 2, 1 या 0। और हम देख सकते हैं कि 0 ऑप्शन पी है, 1 is Q, 2 is R, 3 is S, मतलब इसके आंसर सारे ऑप्शंस है P, Q, R और S। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट कहता है कि -3 < λ(x²-λx-2)² + x + 1 < 2। तो इसके लिए अगर हम नीचे जो डिनोमिनेटर है हम पहले उस पर फोकस करते हैं। तो डिनोमिनेटर है x² + x + 1। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें, डिटर्मिनेंट की क्या होती है वैल्यू, b² - 4ac।
और यहाँ पे ए बी और सी सब वन है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 4 जो होता है -3। तो हमें पता चलता है जो डिटर्मिनेंट है वो <0 है, नेगेटिव। और इससे पता चलता है कि इक्वेशन के कोई भी रूट्स नहीं है। और क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 है तो इसका ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा, एंड अगर इसका ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा एंड इसका कोई रूट नहीं है मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही रह जाएगा, एंड अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर रह जाएगा मतलब ये इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये पॉलिनोमियल तो पॉजिटिव रहेगा मतलब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारी इनइक्वालिटी बन जाएगी -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स प्लस 2, सॉरी -2 लेस देन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे हम इस इनिक्वेशन को दो इनिक्वेशंस में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम दोनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम लेफ्ट वाला हाफ लेते हैं, मतलब -3 x² -3x -3 इज लेस देन x² प्लस माइनस लैम्डा एक्स -2। अगर इसको रीअरेंज करें तो हमें मिलेगा 4x² प्लस 3 माइनस लैम्डा एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और ये वाले पॉलिनोमियल को हमेशा ग्रेटर देन 0 बनाने के लिए इसका डिटर्मिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब 3 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 4 इंटू c इज 1 शुड बी लेस देन 0। मतलब 3 माइनस लैम्डा का स्क्वायर शुड बी लेस देन 4 का स्क्वायर, जिसको हम आगे सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा 3 माइनस लैम्डा, या फिर हम इसको उल्टा लिख देते हैं, λ-3। λ-3 4 से छोटा और -4 से बड़ा होना चाहिए, जिससे हमें मिलता है लैम्डा जो होगा वो होगा -1 से 7 के बीच। एंड ये हमारी लेफ्ट वाला हाफ सॉल्व हो गया। अब राइट वाला हाफ सॉल्व करते हैं, तो वो बनेगा x² माइनस लैम्डा एक्स -2 इज लेस देन 2x² प्लस 2x प्लस 2। एंड अगर हम इसको आगे चलाएं तो ये फाइनली जो सॉल्व होने के बाद मतलब सिंप्लीफाई होने के बाद जो बनेगा वो होगा x² प्लस लैम्ब्डा प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है एंड ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 करनी है, तो डिटर्मिनेंट लेस देन 0 मतलब लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के वैल्यू 1 सी के वैल्यू 4 शुड बी लेस देन 0। मतलब लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर शुड बी लेस देन 4 स्क्वायर, जिससे हम बता सकते हैं लैम्डा प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन पॉजिटिव 4, विच मीन्स लैम्डा इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -6। अब हमें लैम्डा के दो सॉल्यूशंस मिल गए एंड हमें फाइनल सॉल्यूशन चाहिए, तो हम दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे एंड इंटरसेक्शन बताएंगे। तो सारी वैल्यूज पहले प्लॉट कर देते हैं, ये हो गई -6, ये हो गया -1, ये हो गई 2, ये हो गया
सो जो लेफ्ट वाला सॉल्यूशन है वो है माइनस वन से लेके सेवन इन सारे ओपन इंटरवल्स, जो राइट वाला है वो है माइनस सिक्स से लेके टू। तो इसका जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो यहां से लेके यहां तक, जिससे हम बता सकते हैं कि लैम्ब्डा जो होगा वो माइनस वन से लेके टू के बीच होगा। एंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है मॉड ऑफ जी आई एफ ऑफ लैम्ब्डा की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर हम जी आई एफ देखें तो जी आई एफ ऑफ लैम्ब्डा हो सकता है माइनस वन से जीरो के लिए जी आई एफ होता है माइनस वन, जीरो से वन के लिए जी आई एफ होता है जीरो, एंड वन से टू के लिए जी आई एफ होता है वन। दिस इम्प्लाइज कि मॉड ऑफ जी आई एफ ऑफ लैम्ब्डा की पॉसिबल वैल्यूज है जीरो और वन, एंड ये ऑप्शन है पी और क्यू। अगर हम देखें तो हाँ पी और क्यू। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे जो सी वाला पार्ट है। अब सी वाला पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सी वाले पार्ट में हमें दो इक्वेशंस दी है एक्स स्क्वायर प्लस लैम्ब्डा एक्स प्लस वन इक्वल जीरो और बी माइनस सी एक्स स्क्वायर सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स जीरो। और हमें दिया है कि ये दोनों इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन है, मतलब ये दोनों इक्वेशंस इक्विवेलेंट है। तो हमें लैम्ब्डा माइनस वन के जी आई एफ के मॉड के वैल्यूज बतानी। तो ये हम अगर ध्यान से देखें तो जो दूसरी वाली इक्वेशन दी है बी माइनस सी एक्स स्क्वायर वाली, जो बी माइनस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए टाइम्स एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स जीरो दिया है। अगर हम इसे ध्यान से देखें और इसमें x की वैल्यू वन रख के देखें तो ये बन जाएगा b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, क्योंकि a, b और c तीनों साइक्लिक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। मतलब x इक्वल टू वन इज वन ऑफ द रूट। और क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस इक्विवेलेंट है तो अगर x इक्वल टू वन नीचे वाले का रूट है तो x इक्वल टू वन एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस वन का भी रूट होना चाहिए। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस वन ये भी जीरो के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे वाली इक्वेशन का रूट है तो ऊपर वाली इक्वेशन का भी रूट होना ही चाहिए। हाँ, जिससे हम बोल सकते हैं लैम्डा इक्वल टू माइनस टू, और लैम्डा की वैल्यू माइनस टू मिल गई है, जिसका मतलब अब हम लैम्डा माइनस वन तो निकाल ही सकते हैं। देयरफॉर लैम्डा माइनस वन इक्वल्स माइनस थ्री, इसका जी आई एफ हो जाएगा माइनस थ्री और इसका मॉड हो जाएगा थ्री, जो है ऑप्शन एस। हाँ, सो हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट वाला ए पार्ट था उसके आंसर पी क्यू आर एस है, जो बी पार्ट था उसका आंसर पी और क्यू है, और जो सी पार्ट है उसका आंसर सिर्फ एस है। So, thank you guys. Thanks for watching. Class 6 to 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।